गुड मॉर्निंग एवरी वन कंटिन्यूंग टॉपिक हमारा टॉपिक चल रहा था मीनिंग ऑफ बिजनेस एनवायरमेंट बिजनेस एनवायरमेंट का मतलब क्या है बिजनेस एनवायरमेंट का मतलब है वो सभी सराउंडिंग्स बिजनेस की जो उससे इन्फ्लुएंस करती है जो बिज़नेस की फंक्शनिंग को इन्फ्लुएंस करती है एक जो ऑर्गेनाइजेशन है वो सरवाइव और ग्रो तभी कर सकती है जब वो कॉन्टीन्यूसली और क्विकली अडाप्ट करे चेंजिंग एनवायरमेंट में वी आर लिविंग इन अ डायनामिक एनवायरमेंट जो जिसमें रैपिड चेंजेस होते रहते हैं तो उसी की वजह से उन रैपिड चेंजेस की वजह से ही न्यू आइडियाज आते हैं और उन न्यू आइडियाज की वजह से ही न्यू टेक्नोलॉजी डेवलप होती है न्यू प्रोडक्ट्स डेवलप होते हैं तो अकॉर्डिंग टू केथ डेविस उसने ऑब्जर्व किया कि जो बिजनेस एनवायरनमेंट है वो एग्रीगेट है सभी कंडीशंस का इवेंट्स का इन्फ्लुएंसेस का जो सराउंड करते हैं और इफेक्ट करते हैं बिजनेस को तो डेफिनेशन जो बिजनेस की है अकॉर्डिंग टू आर्थर

Business environment represents a set of conditions, circumstances, and influences that surround and affect the functioning of the organization. This environment is made up of different individuals like customers, local citizens, etc.

तो अगर आपसे कंपोनेंट्स पूछे जा रहे हैं टाइप्स पूछा जा रहा है फैक्टर्स अफेक्टिंग बिजनेस एनवायरनमेंट पूछा जा रहा है तो दो पार्ट्स में डिवाइड होते हैं पहला है इंटरनल एनवायरनमेंट और दूसरा है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट इंटरनल एनवायरनमेंट वो एनवायरनमेंट जो कंपनी के बिजनेस के विद इन प्रेजेंट होता है वो कौन कौन सी चीजें हैं कंपनी के फाइनेंशियल फिजिकल एंड ह्यूमन रिसोर्स ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस मैनेजेरियल पॉलिसीज मोराल एंड कमिटमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स वर्क एनवायरमेंट ब्रांड एंड कॉपरेट इमेज लेबर मैनेजमेंट रिलेशनशिप टेक्नोलॉजी एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट कैपेबिलिटीज प्रमोटर्स विजन ये वो सारे फैक्टर्स हैं जिनके के ऊपर कंपनी का कंट्रोल रहता है जिनके ऊपर बिजनेस बिजनेस का कंट्रोल रहता है, उन्हें अपने अकॉर्डिंगली चेंज कर सकता है देन है एक्सटर्नल एनवायरमेंट जिसे हम डिवाइड करते हैं टू पार्ट्स में माइक्रो या ऑपरेटिंग एनवायरमेंट एंड माइक्रो एंड जर्नल एनवायरमेंट जो माइक्रो और ऑपरेटिंग एनवायरमेंट है जो क्लोज एनवायरमेंट होता है बिजनेस का उसे हम माइक्रो और जनरल एनवायरमेंट जो बिजनेस है उससे फार अवे होता है लेकिन वो इम्पैक्ट उतना ही करता है तो माइक्रो और ऑपरेटिंग एनवायरमेंट में क्या क्या है सप्लायर्स कस्टमर्स मार्केट इंटरमीडियरीज कॉम्पिटिटर्स पब्लिक माइक्रो मैक्रो और जनरल एनवायरनमेंट पे इंक्लूड होता है इकोनॉमिक पॉलिटिकल, सोशो कल्चरल टेक्नोलॉजिकल नेचुरल डेमोग्राफिक इंटरनेशनल एंड ग्लोबल एनवायरनमेंट। जो एक्सटर्नल बिजनेस के कंट्रोल में नहीं होता है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का जो भी इफेक्ट बिजनेस के ऊपर पड़ रहा है उसे बिजनेस फेस कैसे करता है थ्रू ब्रिंगिंग चेंजेस इन देर इंटरनल एनवायरमेंट तभी वो जो एनवायरमेंट में है सरवाइव कर पाता है

डिटेल में पढ़ते हैं सबसे पहले है इंटरनल एनवायरमेंट जैसे कि हमने बात की कि इंटरनल एनवाइ में आप उन इंटरनल फैक्टर्स को इंक्लूड करते हो जो बिजनेस के कंट्रोल में होते हैं ये इनवायरमेंट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही होता है इसमें ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस मैनेजीरियल पॉलिसीज डिफरेंट डिपार्टमेंट्स ऑर्गेनाइजेशन के मैनेजमेंट इंप्लाइज ऑर्गेनाइजेशन के लेबर मैनेजमेंट का रिलेशनशिप ब्रांड इमेज कॉपरेट इमेजेस फिजिकल रिसोर्सेज जिसमें ले, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर जो अवेलेबल है बिजनेस के साथ विजन थिंकिंग टॉप मैनेजमेंट की रिसर्च डेवलपमेंट एक्टिविटीज ऑर्गेनाइजेशन की वर्किंग कंडीशन ऑर्गेनाइजेशन की मोराल कमिटमेंट ह्यूमन रिसोर्सिस का आपके फाइव एम्स मैन मटीरियल मनी मशीनरी मैनेजमेंट जो बिजनेस के पास अवेलेबल है वो सभी इंक्लूड होते हैं जैसी आपकी क्वालिटी होगी इंटरनल एनवायरनमेंट की वही आपको सफिशियंटली uh, एबल बनाएगा कि आप जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है उससे उसे कम्पीट uh, uh, कर सको देन आता है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट एक्सटर्नल एनवायरनमेंट्स जो भी आपका एक्सटर्नल एस्पेक्ट है आपके सराउंडिंग्स में बिजनेस एंटरप्राइजेस की जिसका इन्फ्लुएंस बिजनेस की फंक्शनिंग पर होता है उसे हम कहते हैं एक्सटर्नल एनवायरनमेंट एक्सटर्नल एनवायरनमेंट

अपने एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को फेस कर सकते हो तो इसका मतलब है कि जो आपकी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस है अगर आपको वो पता है तो जो भी आपकी अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स आपको एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से अवेलेबल हो रहे हैं आप उसे अच्छे से डील कर सकते हो तो अकॉर्डिंग टू विलियम ग्लूक एंड जॉक एक्सटर्नल एनवायरमेंट का क्या मतलब है इन एनवायरमेंट There are external factors which constantly bring opportunities and threats to the business firm. It includes social, economic, technological and political conditions. अब एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को आगे फर्दर हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं माइक्रो और ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट एंड माइक्रो एंड जर्नल एनवायरनमेंट. सबसे पहले देखते हैं माइक्रो और ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट. तो माइक्रो एनवायरमेंट में या ऑपरेटिंग में हम क्या इंक्लूड करते हैं किसे कहते हैं माइक्रो एनवायरमेंट जो है एक कंपनी का उसमें वो एलिमेंट्स इंक्लूड होते हैं जो डायरेक्टली इफेक्ट करते हैं कंपनी को जैसे कॉम्पिटिटर्स हो गए कस्टमर्स हो गए सप्लायर्स हो गए तो वो फोर्सेस जो कंपनी के क्लोज हैं और जो इफेक्ट करती है उसकी एबिलिटी को वर्क करने के तो उसको हम कहते हैं माइक्रो एनवायरमेंट से इसी को ऑपरेटिंग एनवायरमेंट ऑफ बिजनेस कहा जाता है इसमें कंपनी की जो एनवायरमेंट है जो उसकी परफॉर्मेंस को इफेक्ट कर रही है उसे इंक्लूड करते हैं तो इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है आपके सप्लायर्स कस्टमर्स मार्केट इंटरमीडियरीज कॉम्पिटिटर्स एंड पब्लिक ये जो फैक्टर है डिफरेंट फर्म्स जो हैं सेम इंडस्ट्री की उन्हें डिफरेंट तरीके से इफेक्ट कर सकते हैं और कुछ माइक्रो फैक्टर्स जो हैं वो सेम हो सकते हैं डिफरेंट फॉर्म्स के लिए जो एक इंडस्ट्री में है और कुछ माइक्रो फैक्टर्स है जो किसी एक पर्टिकुलर फॉर्म के लिए ही Uh, होते हैं और उसी को इफेक्ट करते हैं तो सबसे पहले है सप्लायर्स हर एक जो बिजनेस एंटरप्राइजेस हैं उसे नंबर ऑफ सप्लायर्स की जरूरत पड़ती है जो सप्लाई तो करते हैं रॉ मटेरियल और कंपोनेंट्स बिजनेस यूनिट्स को तो सप्लायर्स के रिगार्डिंग आपको क्या चीज माइंड में रखनी है कि जो सप्लायर्स है आपके रिलायबल होने चाहिए ताकि जो बिजनेस है आपका स्मूथली रन कर सके अगर जो सप्लायर है वो रिलायबल नहीं होगा तो आपको हाई इन्वेंट्रीज और जिससे आपकी जो कॉस्ट है वो इंक्रीज होगी देन नेक्स्ट इज मल्टीपल सप्लायर अगर आप एक सिंगल सप्लायर रखते हैं तो ये रिस्की है क्योंकि अगर स्ट्राइक हो गई लॉकआउट हो गया या अदर प्रॉब्लम हो गया तो वो सप्लायर आपकी बिजनेस यूनिट को सीरियसली इफेक्ट करेगा इसीलिए जरूरी है कि आपके मल्टीपल सोर्सेज ऑफ सप्लाई होने चाहिए जो आपका रिस्क रिड्यूस करेंगे नेक्स्ट इज योर कस्टमर्स जो कस्टमर्स है वो सेंट्रल पॉइंट ऑफ है बिजनेस का जैसे कि हमने पहले भी बात की कि बिजनेस प्रॉफिट ऑन करता है लेकिन थ्रू कस्टमर सेटिस्फेक्शन तो जो सक्सेस है एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की वो डिपेंड करती है कि वो कैसे कस्टमर को आइडेंटिफाई करती है उनकी नीड्स टेस्ट लाइकिंग्स को कैसे फुलफिल करती है कैसे समझती है और किस तरीके से वो जो कस्टमर का सेटिस्फेक्शन लेवल है उसको इंक्रीज करती है क्योंकि कंपटीशन में इंक्रीज हो रहा है तो कस्टमर्स को अट्रैक्ट करना सेटिस्फाई करना और ज्यादा चैलेंजिंग होता जा रहा है और इसके लिए न्यू कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए जो बिजनेस यूनिट्स हैं उन्हें कंज्यूमर रिसर्च करनी पड़ती है डिजाइन करना पड़ता है प्रोडक्ट एज पर नीड्स और रिक्वायरमेंट्स ऑफ कस्टमर्स और उसके लिए वो हैवीली स्पेंड करेंगे एडवर्टाइजमेंट पर आफ्टर सेल सर्विसेज एक्सेट्रा पर जो कस्टमर्स हैं डिफरेंट टाइप्स के हो सकते हैं होलसेल कस्टमर्स हैं रिटेल कस्टमर्स हैं इंडस्ट्रियल कस्टमर्स हैं गवर्नमेंट एंड अदर इंस्टीट्यूशन है फॉरन कस्टमर्स हैं और इन सभी कस्टमर्स के अपने अपने कैरेक्टरिस्टिक्स हैं तो उन सभी के अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स के अकॉर्डिंग आपको जो अपनी पॉलिसीज हैं वो बनानी पड़ेंगी आप जब आप प्रोडक्ट सेंड कर अपना प्रोडक्ट बेच रहे हो कस्टमर को तो आप किस कस्टमर को बेच रहे हो उसी के अकॉर्डिंग आप मार्केट सेगमेंटेशन करते हो उसके भी डिफरेंट बेसिस है जैसे इनकम लेवल क्या है कस्टमर का क्वांटिटी क्या परचेज कर रहा है कस्टमर टेस्ट प्रेफरेंसेस क्या है कस्टमर के एज क्या है कस्टमर की पर्सनैलिटी लाइफ क्या है कस्टमर का जियोग्राफिकल एरिया क्या है कस्टमर का एजुकेशन लेवल क्या है कस्टमर का देन नेक्स्ट आता है हमारा मार्केट हर एक जो उसे मार्केट करती हैं इन एक्सपैंडिंग बिजनेस और स्मूथली रनिंग रनिंग दे बिजनेस वो कौन कौन सी है एजेंट्स हैं ब्रोकर्स हैं जो हेल्प करते हैं बिजनेस को टू फाइंड कस्टमर्स वो लिंक होते हैं बिटवीन बिजनेस यूनिट एंड फाइनल करती हैं को, को. इंक्लूड किस -किस कर रहे हैं में, man, जिसमें आपके होलसेलर्स रिटेलर्स डिपार्टमेंटल स्टोर्स इंक्लूड होते हैं देन मार्केटिंग एजेंसीज जिसमें आपकी एडवर्टाइजिंग एजेंसीज कंसल्टेंसी फॉर्म मीडिया फॉर्म मार्केट रिसर्च फॉर्म्स एक्सेट्रा इंक्लूड होती है देन आपकी फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज जिसमें आपके बैंक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, मनी मार्केट्स कैपिटल मार्केट्स इंक्लूडेड होते हैं फिजिकल इंटरमीडियरीज में आपके वेयर इंटरमीडियर ट्रांसपोर्ट एजेंसीज एजेंसी इंक्लूड होती है देन आता है कॉम्पिटिटर्स कॉम्पिटिटर्स बहुत इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट है आपका क्योंकि जो भी बिजनेस करेगा जो भी एक्टिविटीज बिजनेस करेगा मोनोपोली आपकी अगर नहीं है किसी भी मार्केट सेगमेंट में तो आपको आपका प्रोडक्ट सेल करना बड़ा मुश्किल है क्योंकि जो आपके कस्टमर है सेम कस्टमर्स को प्रोडक्ट आपका कॉम्पिटिटर सेल करना चाहता है तो जो बिजनेस है उसे अपनी एक्टिविटीज को एडजस्ट करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू एक्शंस एंड रिएक्शंस ऑफ कॉम्पिटिटर्स जो कॉम्पिटिटर्स होते हैं उसका मतलब है जो अदर बिजनेस यूनिट्स हैं जो मार्केट कर रही हैं प्रोड्यूस कर रही हैं सिमिलर गुड या आपके प्रोडक्ट का क्लोज सब्स्टिट्यूट आपके कस्टमर्स के लिए जैसे फॉर एग्जांपल एक मोटरसाइकिल मैन्युफैक्चरर है उसे ना सिर्फ अदर ब्रांड्स ऑफ मोटरसाइकिल से कंपटीशन है बल्कि जो आपके स्कूटर्स हैं उससे भी कॉम्पिटिशन है जो आपके फोर व्हीलर्स हैं उससे भी कंपटीशन है कि जब एक कस्टमर कोई व्हीकल खरीदने जा रहा है तो वो ये भी चेक करेगा कि मैं मोटरसाइकिल मुझे कितने की पड़ रही है और मैं अगर कार खरीदता हूँ तो उसके प्राइस में दोनों में कितना डिफरेंस है किसमें मुझे ज्यादा सुटेबिलिटी है या फिर अगर उसने डिसाइड किया मोटरसाइकिल खरीदना है तो वो डिफरेंट जो दूसरे ब्रांड्स है मोटरसाइकिल्स के उससे आपको कॉम्पिटिशन एट प्रेजेंट कोई भी बिजनेस यूनिट मार्केट में नहीं करती है कट छोट कॉम्पिटिशन आपको मिलेगा कंज्यूमर गुड्स में जैसे सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं डिटर्जेंट्स हैं शैम्पूस हैं टूथपेस्ट एक्सेट्रा है वेरियस ब्रांड्स इन प्रोडक्ट्स के रिगार्डिंग अवेलेबल है मार्केट में तो कॉम्पिटिटर से एच पे रहने के लिए एक जो बिजनेस यूनिट है उसे स्ट्रेटेजी समझनी पड़ेंगी कि उसका कॉम्पिटिटर क्या स्ट्रैटेजी फॉलो कर रहा है और उसके लिए उसे क्या काउंटर स्ट्रेटेजी फॉलो करनी है नहीं तो वो मार्केट शेयर लूज कर जाएगा अपना कॉम्पिटिटर्स को तो जो बिजनेस यूनिट है उसे मीट आउट करने के लिए कॉम्पिटिशन को जरूरी है कि वो आइडेंटिफाई करे वीकनेसेस अपने कॉम्पिटिटर्स की और अपने खुद के बिजनेस की स्ट्रेंथ्स को ढूंढे ताकि जो स्ट्रेंथ है उसे यूज करके वो कॉम्पिटिटर से आगे निकल सके तो जो ग्लोबलाइजेशन है उससे और कॉम्पिटिशन प्रमोट होता है और जिसकी वजह से जो डोमेस्टिक इंडस्ट्रियल यूनिट्स हैं उन्हें थ्रेट uh, 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 जो है फेस करना पड़ता है लेकिन इसका एक फायदा क्या होता है अगर कॉम्पिटिशन oh. होगा तो जो बेनिफिट है वो कस्टमर्स को मिलता है आपका जो प्राइजेस हैं प्रोडक्ट्स के वो कम हो जाएंगे या फिर आपको और ज्यादा बेटर प्रोडक्ट की क्वालिटी मिलेगी नेक्स्ट है हमारा पब्लिक पब्लिक किसे हम कहते हैं पब्लिक का मतलब है कोई भी ग्रुप जिसका एक्चुअल या पोटेंशियल इंटरेस्ट इंटरेस्ट है आपके बिजनेस में और इस को अचीव करने के लिए उस उसका इम्पैक्ट आता है बिजनेस के ऊपर कि वो किस बिजनेस को इन्फ्लुएंस करता है बिजनेस को जब वो इन्फ्लुएंस करता है तो बट ऑब्वियसली बिजनेस को उसकी नीड्स को सेटिसफाई करना पड़ेगा तो जो पब्लिक है उसमें इंक्लूड होते हैं आपके यूजर्स और नॉन यूजर्स प्रोडक्ट के कौन कौन इंक्लूड होता है पब्लिक 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 में और public. Public में मीडिया मीडिया और लोकल आपके न्यूज़पेपर्स मैगजीन्स जर्नल्स इंक्लूड होते हैं जो फेवरेबल और एडवर्स मार्केट रिमार्क्स आपकी कंपनी के बारे में देते हैं तो वो आपकी जो इमेज है कंपनी की रेपुटेशन है उसको इफेक्ट करते हैं नेक्स्ट है आपका लोकल पब्लिक इसे हम कंटिन्यू करेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में थैंक यू सो मच